ये सारे आई लव यू मुआ 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 My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. घरों भी ताई बिस्तरी होंगी है हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आ चुके हैं हम एक और न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस ये गेम प्ले है क्लासिक का, हिरेंगल खेल रहे थे हम, तो और ये हम अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ खेल रहे थे, तो काफ़ी अच्छा गेम प्ले गया देखें आप। और हम जा रहे थे पुचिंग की, काफ़ी ना मतलब काफ़ी ज़्यादा स्क्वाड आए हुए थे, दो तीन तीन चार स्क्वाड तो आए हुए थे। तो एक स्क्वाड तो बिल्कुल ही ना हमारी झोली में आउट रहेगा, वो पहले तो नज़र नहीं आता लेकिन जब हम नीचे उतरते हैं ना तब बिल्कुल ही साथ उतरता है वो। तो हम उतरते हैं, पहले तो गाइस ये दो तीन मैच हम इस मैच से ना पहले दो तीन मैच हमने खेले, तो उसमें तो भाई ऐसा गंदा मार रहा था ना, मुझे सिर्फ पिस्टल मिलती थी। दो तीन मैच हमने खेले ना, मुझे सिर्फ पिस्टल मिलती थी और मैं पिस्टल ले कर घुस गया होता था और मर जाता था। तो इस गेम में शुक्र है हमें गन तो मिली उतरते साथ, UMP मिलती है मुझे, मैं एक नॉक करता हूँ लेकिन यहाँ हमारी डार्क सोल भी नॉक हो जाएगी, वो बंदा दूसरे घर में होता है पिस्टल से मार जाता है। कैसे कैसे नूबे बनने हमारे, कोई नहीं पिस्टल से मार जाता है वो। तो मैं उसको नॉक करता हूँ, ये बंदा आता है जंपे करता हुआ, भाई ये बड़ी जंपे मार रहा होता है यार, वैसे अच्छा मार रहा होता है ये। तो जैसे ही मैं इसको नॉक करके अंदर जाता हूँ ना, दूसरी तरफ से मुझे यूजी की शॉट्स पड़ती हैं। मैं देखता हूँ अब ये बंदा कहाँ है, तो मुझे अचानक से लेफ्ट साइड से साउंड आता है, तो ये बंदा मैंने मारा, एक स्क्वाड डेड हो गया। अब मेरे पास एमओ होती है सिर्फ 35, और एक को तो मैंने नॉक किया, दूसरे को भी मैंने थोड़ा सा प्री फायर दिया और नॉक किया, तो एमओ 5 रह जाती हैं। अब ये देखें गाइस, मैं इतना पीछे आ जाता हूँ और वो मैं दरवाज़ा क्लोज़ करके आता हूँ, जिस दरवाजे से मैं गुजरता हूँ ना वो मैं दरवाज़ा क्लोज़ करके आता हूँ, और फिर भी इतना डीसिंग में पड़ जाती हैं मुझे गोलियाँ, मेरी हेल्थ काफ़ी होती है। तो यहाँ मेरे पास अब एमओ भी नहीं होती और ऊपर से हील, तो 5 बैंडेज होते हैं मेरे पास। तो हम यहाँ से भागते हैं, सीधा जाते हैं स्क्वाड हाउस, क्योंकि एमओ वगैरह तो होती नहीं, मैंने कहा चलो मेरा टीममेट कोई गन वन ले आएगा, लेकिन यहाँ आता हूँ तो यहाँ पहले से ही AK पड़ी होती है, तो ये अच्छी बात होती है। अब हील भी मेरे पास 5 बैंडेज होते हैं, तो हम यहाँ से यहाँ आते हैं, वो हमारी टीममेट जो सी डार्क सोल होती है वो तो बेचारी ऐसी मर जाती है। तो ये बंदा ना शाहजी को बहुत लो कर देता है, तो ये शाहजी के पीछे ही आ रहा होता है ना उनको मारने, तो इसको मैं यहाँ नॉक फिनिश कर देता हूँ। फिर यहाँ हम चेपियाँ वेपियाँ लगाते हैं, थोड़ी सी हीलिंग वगैरह सेट करते हैं, यहाँ से मैं अपनी सेटिंग भी थोड़ी चेंज करता हूँ, 3D टच से दूसरी सेटिंग नॉर्मल सेटिंग पे करता हूँ। तो गाइस यहाँ से ना मैंने थोड़ी सी ना वीडियो एडिट कर दी है, क्योंकि ये जौन सा एक स्क्वाड सामने होता है ना, पीछे से एक स्क्वाड आता है और वो ना इनको मार देते हैं, तो मेरे पास एमओ वगैरह इतना नहीं होता जिसकी वजह से ना हम किल्स वगैरह नहीं उठा पाते। तो यहाँ शाहजी मारी, उनके साथ पंगे कर रहे होते हैं, बार बार पीक्स वगैरह दे रहे होते हैं, इन शाहजी के पास होती है M24 और ये स्नाइपर बने होते हैं। ये बंदा यहाँ आके उसको लूट रहा होता है, इसको शायद पता नहीं होता कि यहाँ एक और बंदा है, तो इसको तो मैं ईजी नॉक करता हूँ। अब ये वाले बंदे का मुझे हेड नज़र आ रहा होता है, तो इसको भी मैं यहाँ नॉक करता हूँ। तो अब मेरे पास रह जाता है पीछे 14 एमओ, और इसको तो मैं ऐसे ही ना मतलब ले जाता हूँ। अब ये इस बंदे के साथ स्कैम हो गया, ये बेचारा शायद जंप करना चाह रहा था और बंदा ना क्लिम कर गया ऊपर, तो यहाँ पर ये हुआ स्क्वाड डेड। तो इसके बाद यहाँ ये देखना गाइस, पूरी गेम में ऐसा लूट का मतलब लूट तो होती है हमारे पास, लेकिन जो एमओ होता है ना वो ख़त्म हो जाता होता है मेरे पास। जब मेरे पास एमओ होता है ना, मैं ऐसे अन्य वाह यूज़ कर रहा होता हूँ, प्री फायर दे रहा होता हूँ बिला वजह के, जहाँ नहीं भी फायर मार रहा होता मैं वहाँ भी फायर दे रहा होता हूँ कि शायद लग जाए। तो यहाँ से हम गाड़ी वगैरह पकड़ते हैं तो ना फायर आते हैं इस साइड से ना, तो मुझे लगता है शायद बॉट वगैरह होगा, लेकिन नहीं, यहाँ से गाड़ी लेके अलग ही बंदे आए होते हैं, तो मैं इनको मारने के लिए रुकता हूँ। अब ये बंदा वो वाला सीन कर रहा होता है जो हम दूसरों के साथ करते हैं ना, बॉट फायर देते हैं, हम लोगों के साथ करते हैं, ये हमारे साथ करेगा, इतने बड़े हो गए वो। तो यहाँ पीछे एक गाड़ी आती है, पहले तो मेरा थोड़ा सा स्प्रे मिस होता है लेकिन फिर मैं एक को नॉक कर देता हूँ और दूसरे को भी मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, लेकिन शाहजी हमारे चलें, शाहजी का एक आधा किल तो बनता है ना यार,
साथ खेल रहे हैं हमारे, तो यहाँ ये स्क्वाड ये तीन ही होते हैं, ये मर जाते हैं, तो इसको मैं डाउन करने के बाद थोड़ा सा लो कर देता हूँ तो ये वैसे ही फिनिश हो जाता है। अब ये इसको बचाने आ रहा होता है ये बंदा ना, तो इसको मैं यहाँ नॉक करता हूँ, तो इधर मैं एक थोड़ी सी ना गलती कर देता हूँ, यहाँ जो सा वो ये नॉक होता है ना मैं उसको ना फिनिश कर देता हूँ यहाँ पे, मैं इसको यहाँ फिनिश किया, मुझे इधर फिनिश नहीं करना चाहिए था, इनका एक और बंदा था वो अब स्मोक वगैरह करता है, वो इसको बचाने के लिए जिसको अभी हमने नॉक फिनिश किया ना, वो स्मोक वगैरह करता है लेकिन वो फिर बाद में ख़ुद सामने ही नहीं आता, वो पता नहीं कहाँ कैंप वगैरह कर जाता है, कर लेता है, तो कुछ यूं ही। तो फिर हम यहाँ से गाड़ी निकालते हैं, काफ़ी वेट करने के बाद ना मैं यहाँ से गाड़ी उठाता हूँ और फ्लेयर चली होती है, हम जाते हैं फ्लेयर पे। तो यहाँ हम फ्लेयर पे आते हैं, तो यहाँ ना पहले से ही दो स्क्वाड ना फाइट कर रहे होते हैं, ये एक तो सामने बिल्कुल इनके, तो मैं मुंह पे ही आगे गाड़ी रोक देता हूँ, वो तो शुक्र है गाड़ी का कवर होता है इस वजह से बच जाते हैं। तो यहाँ ये एक तो इनका मैं नॉक करता हूँ, साथ ही मुझे पता चल जाता है एक राइट साइड पर स्क्वाड है, तो मैं राइट साइड पर फ़ौरन से स्मोक कर देता हूँ, ताकि इनके पास से तो हमें गाड़ी से कवर था लेकिन राइट वालों से नहीं कवर था, तो राइट पर मैं स्मोक कर देता हूँ ताकि ना राइट से उनको एंगल ना मिले हमें मारने का। तो इस बंदे को मैंने, ये अभी मेरे फ्री फायर में आएगा, इसको मैंने काफ़ी लॉक किया लेकिन ये नॉक नहीं हुआ। तो यहाँ अब हम फंस चुके होते हैं ओपन में, राइट पे भी बंदे होते हैं और लेफ्ट पे भी, मतलब सामने भी बंदे होते हैं, और हमारी गाड़ी भी बिल्कुल ना तबाह ही हो चुकी होती है। तो यहाँ शाहजी से मैं स्मोक वगैरह उठाता हूँ और उनके ना मैं मतलब आगे स्मोक कर देता हूँ, ताकि हम अगर क्रॉस करें ना यहाँ से लेफ्ट को, तो हम उनको नज़र ना आए और हमें पूरा एंगल मिले। हमेशा गाइज यूँ किया करो, अपने ऊपर कभी ना स्मोक किया करो, अगले का व्यू ब्लॉक किया करो, क्योंकि आप अगर अपने पे स्मोक करते हो ना तो आपका व्यू ब्लॉक हो जाता है, तो आप अगर आप वो बंदा ओपन में से भी क्रॉस कर जाएगा ना तो आपको नज़र नहीं आएगा अगर आप अपने ऊपर स्मोक हुआ होगा। तो यहाँ वो एक बंदा उनका ना वो नॉक करते हैं राइट साइड जोन से, जिन्होंने फ्लेयर चलाई होती है ना उनके पास भी AWM होती है, इनके पास भी। तो ये नॉक वाले को तो पहले मैं किल चोरी करता हूँ ना, तो शाहजी भी एक यहाँ नॉक कर देते हैं। अब ये पाकिस्तानी स्क्वाड होता है SP पख्तून, तो इनका ये लास्ट ही रह गया होता है, यहाँ हम नेट वगैरह करते हैं तो वो नेट से डर के ना वो पीछे भाग जाता है। तो फिर मैं यहाँ से अपना बूस्ट पहले फुल करता हूँ और फिर मैं जैसे ही ओपन में से क्रॉस करने लगूँगा ये मारने आएगा, तो इसको मैं यहाँ फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ गाइस हर किसी के पास AWM होती है, मेरे पास Level 2 की वेस्ट थी लेकिन बूस्ट वगैरह मेरा था, लेकिन फिर भी मैं नॉक हो गया, हालांकि उसने बॉडी शॉट मारा था और हेड शॉट भी नहीं पड़ा था मुझे, देखो ना मेरी वेस्ट बिल्कुल ही उड़ गई है। तो वो स्नाइपर चला रहा था, मतलब वो एक ही गोली मार के ना साइड पे हो जाता था, तो अब वो उस हमारे हाथ नहीं चढ़ रहा था, वो कभी लेफ्ट से जा रहा था कभी राइट से आ रहा था। अब ये वही है जो हाईएस्ट RP वाला था ना, RPG पता नहीं क्या नाम था इसका, ये वही है। तो अब ये काफ़ी देर से ना शाहजी के पास स्नाइपर थी, तो मैंने शाहजी को ही कहा था कि आप इसको मार दो, मैं मारूंगा तो मुझे वो एक शॉट मार के पीछे हो जाएगा, फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग रेंज फाइट थी, मेरा स्प्रे भी अगर लगते लगते भी 3-4 गोलियां कनेक्ट होते होते भी उसकी एक गोली अगर मुझे कनेक्ट होती है तो मैं तो नॉक हो जाऊँगा ना। तो यहाँ शाहजी हमारे नॉक हो जाते हैं, इनसे तो मार नहीं रहा होता, तो फिर मैं जाता हूँ शाहजी से, मैं इसको तो पहले मैं रिवाइव दूंगा ना, क्योंकि टीममेट्स को हमेशा रिवाइव पहले देना चाहिए। अब वो आगे आ रहा होता है हम पे ना, पुश कर रहा होता है, तो यहाँ शाहजी से मैं M24 उठाता हूँ और मैं कहता हूँ चलो मैं ट्राई करता हूँ, यार शाहजी आपसे नहीं मर रहा तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो अब वो बंदा इस पत्थर पर आ चुका होता है, तो यहाँ मैं इसको हेडशॉट मार के ख़त्म करता हूँ, इस बंदे ने बड़ा जलील किया हमें। यहाँ AWM मारता था शाहजी को, तो मैंने 3-4 दफ़ा रिवाइव दिया, वो तो मैंने बीच में से कट कर दिया अगर मैं दिखाता तो फिर, लेकिन अब यहाँ हमारे पास गाड़ी वगैरह तो होती नहीं, वो गाड़ी तबाह होती है, तो हम वो गाड़ी पैदल ही मतलब जोन में आते हैं। अब इस बंदे के पास पता नहीं क्या होता है, इसने मेरा हेलमेट एक ही शॉट में ना उड़ा दिया, अब ये बाद में भी मुझे एक एक शॉट मारेगा और मुझे 1-1 HP कर देगा। देखो ये देखो इसके वजह से AWM पता नहीं क्या कुछ इस तरह का होता है, मुझे समझ नहीं आती इसके पास है क्या। तो यहाँ मैं हील वगैरह करता हूँ बैठ के, तो मेरे पास हेलमेट वेस्ट तो बिल्कुल ही देखो ना डैमेज्ड है और हेलमेट तो है ही नहीं। तो यहाँ मैं स्मोक करता हूँ क्योंकि हम जोन में नहीं होते, तो मैं सोचता हूँ पहले जोन में चलते हैं, इसको आगे से जाके पकड़ेंगे। तो यहाँ शाहजी बताते हैं मैंने उसको ना एक गोली मारी है, तुम एक दो मारो तो वो मर जाएगा। तो यहाँ फिर उसको मेरा एक दो हेडशॉट पड़ जाता है और एक बॉडी शॉट पड़ जाता है,
तो वो फिनिश हो जाता है। अब यहाँ फिर से 6 बंदे रह गए होते हैं। मैं शाहजी को कहता हूँ शाहजी M24 देना ज़रा, मैं M24 चलाऊँगा आज। तो मैंने शाहजी से M24 पकड़ी लिया, वो मेरा एक अच्छा डिसीजन भी था और पूरा डिसीजन भी था। अभी हम पे एक नेड आता है भाई, मैं कहता हूँ नेड कहाँ से आया है, तो मुझे पता चलता है एक बंदा बुश में बैठ के नेड फेंक रहा होता है, ताकि हम दोनों पहले साथ खड़े होते हैं ना M24 उठाने के लिए, मैं बिल्कुल शाहजी के पास जाता हूँ, तो वो मारने, वो गन से मारने की बजाय कितना सयाना बंदा था, उसने कहा एक ही नेट से दोनों जाएंगे, दोनों को मार देता हूँ। तो यहाँ इसको बॉडी शॉट पड़ता है। अब यहाँ मेरे पास हेलमेट नहीं होता, वेस्ट तो होती है, लेकिन अब मैं ना अपनी एमओ पे नहीं ध्यान देता। यहाँ मेरे पास 40 एमओ रह जाता, ऊपर 17 एमओ होता है। तो ये इस बंदे का बैकपैक नज़र आ रहा होता है, इसको मैं बॉडी शॉट देता हूँ ना, वो बैकपैक पे जाके लगती है और डैमेज होता है। बैकपैक पे भी अगर आप मारो ना तो डैमेज होता है। तो अब मैं यहाँ पहले अपनी एमओ ही नहीं देखता, मुझे नहीं पता होता इधर मेरे पास 40 एमओ। यहाँ देखो मैं ऐसे ही मार रहा हूँ, मुझे पता होता तो मैं M24 से ही मारता उसको। तो ये एक बंदा तो हमारे क्लोज आ जाता, और एक लेफ़्ट से एक और AWM चला रहा होता है। ये बंदा बड़ा ना, इसने गिली सूट पहना होता है और ये लेटा होता है। तो मैं यहाँ स्मोक कर देता हूँ, अब वो सामने वाला बंदा तो ना खड़ा होकर मुझे मार रहा होता है, तो मैं इसको पहले नॉक करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास 30 एमओ रह जाता है टोटली ना, तो मैंने अभी भी नहीं एमओ देखा होता कि मेरे पास 30 एमओ रह जाता है। मैं ऐसी फ़ाइट की तरफ ध्यान होता है मेरा। यहाँ देखो मैं इसको फिनिश भी कर रहा होता हूँ, ये देखो। अब यहाँ जब मैं रिलोड करने लगता हूँ ना, तब मेरा ध्यान आता है कि भाई एमओ तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ मैं इसको बॉडी शॉट देता हूँ, एक बॉडी हेड शॉट ही मारता हूँ यार, लेकिन वो बॉडी शॉट जा लगता है पता नहीं कैसे। तो यहाँ मैं इसको M24 से, ये पहले वाला हमारा जो बंदा मैंने पहले नॉक किया था ना M4L से, वो फिनिश होता है, ये फिनिश नहीं होता अभी। तो यहाँ देखना इसको भी मैं हेड शॉट, तकरीबन हेड शॉट मारता हूँ, लेकिन ये इसका भी बॉडी शॉट ही लगता है। तो यहाँ पे आके फिर मैं एक दो नेट वगैरह करता हूँ, और मेरे पास जो मॉली होती है ना वो मैं करता हूँ कि शायद बंदा नॉक हो जाए। और यहाँ पे ये क्रेट भी पड़ा हुआ है, फिर मैं इसको लूटता हूँ, तब जाके मुझे वहाँ से ना एमओ मिलता है। तो ये जोन सब भी जो मैंने मारा था M24 के, वो उसका हमें किल आता है। तो अब मैं क्रेट वगैरह लूट लेता हूँ, मुझे एमओ वगैरह मिल जाता है। तो अब दो बंदे रह गए होते हैं, एक तो ये देखे ना ये जोन से आ रहा होता है, तो ये तो हो जाता है फिनिश स्क्वाड। अब एक बंदा रह गया होता है, वही जिसने AWM पकड़ी होती है ना, वो गिली सूट पहना होता है वो। तो उसका काफ़ी वेट करने के बाद मुझे वो ऊपर से लग रहा होता है कि वो ऊपर होगा, लेकिन नहीं, वो होता है लेफ्ट साइड नीचे। यहाँ मैं जंप वगैरह कर रहा होता हूँ उसको देखने के लिए, लेकिन भाई की